तो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने सीख दवाई फेरी है गाड़ी की, ठीक है। तो आज हम इसको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे इसकी ये रिपेयरिंग एंड जो के मॉडिफिकेशन GTA 5 में हम कर सकते हैं गाड़ी के साथ। हम जाते हैं, अरे आटो भाई हमारी गाड़ी की तरह ये रही है, चलो चलो। और भाई शॉर्ट क्या मस्त गाड़ी करिए, चलो जो भी हम तो अपने ठीक कर लेंगे। आज हम इसको, इसका नाम पता नहीं क्या था, मैं देखता हूँ क्या नाम है इसका। इसका नाम है जी बेनिफैक्टर फेल्टर, कोई स्पोर्ट्स नाम ही गाड़ी है इसकी। चल हम इसको पहले करा लेते हैं रिपेयर। ये तो पहले मस्त गाड़ी है, इसका नाम है फेल्टर V8 और सुपर चार्ज। तो ये गाड़ी है जी सुपर चार्ज। स्टॉक बम्पर तो नहीं है इसका, बम्पर तो इसके चेंज्ड हैं, ऊपर से इसके डाउन साइड स्कर्ट्स भी लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट भी इसके स्टॉक नहीं है, फ्रंट बम्पर भी स्टॉक नहीं है गाड़ी का, ठीक। तो अब हमारे पास आर्मर वगैरह को छोड़ते हैं, पहले बम्पर की तरफ ही आते हैं। बम्पर हमारा फ्रंट पे लगा हुआ है, माशाल्लाह ये तो खूबसूरत कर रहा है बम्पर और भी अलग से। और बैक साइड पर एक्स्ट्रा कार्बन नाइस, तो अच्छी मोड़ गाड़ रही है। देखते हैं इसके फेंडर्स किस टाइप के, वो सही कह रहे, देखते हैं फेंडर्स भी इसके हैं तो इन्होंने सही खर्चा किया इस पर। और इसका क्या है, रूफ चेक कर लेते हैं, रूफ में क्या, हाँ रूफ पे भी हमारे मिल जाता है रूफ। और हेडलाइट्स बदल रही हैं, खैर बेहतरीन है। और ये इन्होंने वेंटेड हमें रूफ भी दे दिया इसमें। स्पॉइलर तो GT वालों का तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, GT स्पॉइलर तो क्या बना दिया गाड़ी को, भाई गाड़ी को बड़ी रहे दो। फुल लोअर सस्पेंशन कर दी हमने, ट्रांसमिशन में भी इसको रेस पे ले जाते हैं, कोई चांस टर्बो मारते हैं, ये जिसके पहले ही बहुत प्यारे हैं। और हमने इसको पहले उफ लेवल नहीं करा दिया गाड़ी में, जालिम बना के रखती गाड़ी आगे में। आर्मर हमने इसका 80% करा दिया, ब्रेक्स तो फिर लाजमी है। इससे कहते हैं ना प्योर ब्लैक ब्यूटी, वो खीर कर दी ना भाई तुमने आज। और हम इसकी मिस मारेंगे, हाँ 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 ये लो जी लेके जा रहे हैं हम गाड़ी का, आपको अंदर से रिव्यू करा दें। गाड़ी हमने आपको दिखा दी, हमने इसकी मॉडिफिकेशन करा दी। चलो भाई निकलो बाहर, ज़रा गाड़ी दिखाओ सबको, गाड़ी दिखाओ भाई। तो ये आपको दिख रहा है मस्त किस्म के, क्या खूबसूरत इसके स्पॉइलर हैं जो GTA लगाए हुए हमने, इसके एयर वेंटेड फेंडर्स लगे हुए हैं और ये स्क्रैच पड़ गए गाड़ी को, ओहो बिल्कुल ही कवर्ड इसकी हेडलाइट्स हैं। और खूबसूरत से बम्पर्स बनाए हमने लेमो वाले, इसके हमने अंदर से शीशे करवा दिए। अब आपको चलते हैं अंदर का टूर कराते हैं गाड़ी का। अंदर देख रहे हैं तो एक RPM मीटर लगा हुआ है, फ्यूल गेजेस दिख रही हैं साथ जो कि हमेशा फुल ही रहती हैं क्योंकि गेम है इसमें तो ऐसे ही दिखेंगे। पावर विंडोज़ हैं गाड़ी के, वो बटन दिख रहे हैं हमें, वेंटेड है एरिस और FM लगा हुआ है। सनरूफ नहीं दिया इसमें लोगों ने, बड़े ख़राब लोगों ने, खैर थोड़ा हम चला के दिखाते हैं आपको। और सही है, ऑसम किस्म की ड्राइविंग करती है गाड़ी, नहीं लगना भी है भाई, बड़ी मुश्किल से भी ठीक करा लेंगे। एक तो ऐसे ड्राइविंग ही सही नहीं होती, GTA है ना, फिर गेम है क्या करें, रियल लाइफ थोड़ी है। रियल लाइफ में तो भाई क्या कर दिया, क्या कर डाला है, मर गया मैं, मार डाला मार डाला अल्लाह मार डाला भाई तुमने। ऐसा करते हैं गाड़ी खड़ी करते हैं माइकल के घर, और फिर हम इसको देखेंगे कि ये गाड़ी एक्चुअल में किस नाम से गाड़ी। तो यहाँ पर आ गए हम भाई, बहुत मुश्किल हो गई ड्राइविंग आज तो इसकी, यानी ब्रेकिंग सही नहीं हो रही, क्या मसला है समझ में आ रही, ये लगता है बैक व्हील ड्राइव की वजह से मस्तियाँ कर रही हैं हमारे साथ।
अच्छा निकल गया इसका घर नहीं है ना। अरे यार इसको छोड़ भी नहीं सकते, ले जा रहा था। डोनट लगवा रहे हैं फ्रेंड जर के, डोनट इन द मिडल ऑफ द रोड। जस्ट इमेजिन यार बस एक रियल लाइफ में सुपर और आप उसके साथ ये करें, ओह लेवल हो जाता है जिंदगी में तो। अरे अरे विलेज कहाँ चलती है, सब्र तो करो। अभी तो हमने नेक्स्ट एपिसोड तक कौन इंतज़ार करेगा, यही हम आपको बता देते हैं। ये गाड़ी जो कि GTA 5 में इन लोगों ने लाई थी, ये मर्सिडीज बेंज का मॉडल है SL65, जो कि 2009 से लेके 2011 तक आया था। और ये इंजन इसका जो था ना वो V12 इंजन था, जो कि 661 हॉर्स पावर जनरेट करता था। और इसका 6.0 लीटर का इंजन था, लाइक मतलब के 6000 सीसी इंजन। और इसके 7 ऑटोमेटिक गियर्स आते थे। ये उससे इंस्पायर्ड होके इन लोगों ने ये वाली गाड़ी GTA 5 में डाली थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अब आप जाना चाहिए, जा सकते हैं।